जय श्री कृष्णा हरि बोल। तो ये हम कर रहे हैं हमारा गणपति पूजा। हमारे शूट का ये दूसरा दिन है और हम हैं जौनपुर यूपी में। इससे पहले के भी मैंने शूटिंग के व्लॉग्स डाले हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियोस में जाके मेरे जो व्लॉग्स मैंने बनाए हैं शूटिंग के उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम आए थे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हम जैसे तैसे करके यूनिट हमारी पहुँच जाती थी सेट पर टाइम पर। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये शूटिंग वाले पूजा वूजा में बिलीव नहीं करते, ये लोग को कहाँ इतना टाइम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम रोज़ डेली जब हम सेट पे पहुँचते हैं और शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गणपति पूजा होती है, फूल अगरबत्ती धूप दिया, इवन इफ मिठाई भी होती है। अब देखिए हमारे कैमरा दादा भी कैसे क्लैपिंग कर रहे हैं। तो जो आरती चल रही थी लेकिन मैंने वो म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है, तो मैंने साउंड म्यूट करके रखा है आरती का। फिर सब आरती वगैरह करते हैं जितने भी टेक्नीशियंस लोग हैं, हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी लोग हैं यूनिट के, हमारे सब गणपति की पूजा करते हैं, कैमरे को धूप दीप दिखाते हैं और फिर बाद में हम लोग जाके शूटिंग स्टार्ट होते हैं। ये हमारा डेली का नियम है। अगर कोई कहता है कि नहीं शूटिंग वाले तो कहाँ पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, तो देख रहे हैं आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक एक करके सारे लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं क्योंकि अगर आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप लोग को नहीं पता लेकिन हम लोग को पता, कर जिस सेट पे अगर पूजा नहीं होती है आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सेट पे कभी भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा कि कोई भी शूटिंग का अगर मुहूर्त होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले गणपति पूजा की जाती है। सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं हमारे गणपति जी, तो इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। फिर क्लैप को भी हम धूप दीप दिखाते हैं क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी है। फिर कैमरे के सामने भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी हम धूप दिखाते हैं क्योंकि उसी से हमारा काम चलता है, हमारी रोज़ी है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। और फिर जौनपुर में ही हमने ये पूजा की थी, तो यहाँ के कोई प्रसिद्ध नेता थे वो भी आए थे, उन्होंने हमारा मुहूर्त किया था। सेकेंड डे का पूजा वगैरह उन्होंने ही की थी नारियल फोड़ के। कितने बड़े बड़े गुलाब हैं ये तो देखो, ये देखो ये पिंक वाला देखो, वहाँ पे तोड़ने नहीं देंगे ये हमको। ये डे टू जौनपुर में। हाय प्रियंका जी। हाय सर। पता नहीं मेरे माइक लाओ, माइक मेरे चलता नहीं है। साउंड लेके आओ, कैमरा वहीं पर रहने दो। कितना चिल्लाते हैं डायरेक्टर जी हमारे। फोकस ले रहे। चलो बैठो। प्रियंका जी को बुलाओ, प्रियंका जी को बुलाओ, प्रियंका जी को बुलाओ, बस यही चिल्लाते रहना है। उधर से बजाओ यही चिल्ला रहे थे, यही यही जो अभी आवाज आ रही थी ना वही नहीं की आ रही थी। ये हमारे हीरो सत्येंद्र जी। बहुत मुश्किल से गार्डन के अंदर घुसे हैं हम। फूल तोड़ने की परमिशन तो नहीं है बट गाना करने दिया है तो हीरोइन ने थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। दिखाते हैं ऐसे दो, ऐसे मेरा सबसे फेवरेट फूल है ना ये है। मैंने मेरे लाइफ में ना इतने बड़े फूल तो नहीं देखे बॉस, पता नहीं कौन सी प्रजाति के फूल है लेकिन बहुत बड़े बड़े पूरा गार्डन। फिर फाइनली हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ऊपर देखिए हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, एक्चुअली ऊपर भी एक कैमरा है इसको ड्रोन कहते हैं, तो हम उसी को देख के गोल गोल घूम रहे हैं। और मैं आपको बता रही, सुबह ठंडी, फिर दोपहर में गर्मी फिर ठंडी, इतना विचित्र मौसम था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अगर वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी सी अगर ख़राब है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत मुश्किल से शूट किया था और ऊपर से इतना धूप था कि कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, थैंक यू। फिर मैंने सोचा जब इतनी अच्छी जगह आए हैं तो कुछ रील वील्स के लिए थोड़ा स्लो मोशन में बढ़िया सा वीडियो बना लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने फटाफट वीडियो भी बना लिया स्लो मोशन में, और यहाँ से खड़ी हुई तो मेरा लहंगा भी फट गया था नीचे से,
मेरे डिज़ाइनर ने मुझे इतना सुनाया था ना कि बताऊँ नहीं, उसने बताया मुझे क्या बोलेगी, लेकिन प्रोड्यूसर को बोलेगी जो बोलेगी, लेकिन पूरा इतने सारे कांटे लगे हुए थे। ऑफ कोर्स गुलाब के फूल है तो कांटे तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ से उठी थी तभी नीचे से मेरे सारे लहंगे 3-4 जगह से फट गए थे, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा आया था। हरी बोल।